तो शहीदों को याद किया गया है, इस मौके पर शहीदों के परिजन क्या कुछ कहते हैं वो भी सुने। देखिए, कारगिल वॉर को 20 वर्ष हो गए। इस दौरान हमारी गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई। पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो तो अभी तक टेंस ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, कारगिल के टाइम पर उन्होंने घुसपैठ की और उसका करारा जवाब उन्हें दिया गया, उन्हें बाहर धकेल दिया गया, लेकिन वो अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। आज की डेट में भी वो घुसपैठ करवाते हैं, मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं कारगिल विजय दिवस पर अपने शहीद सैनिकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन सैनिकों को प्रणाम करती हूँ कि जो ऐसे दुर्गम परिस्थितियों में रह करके जिन्होंने हमारे देश को विजय दिलाई। कारगिल के 20 साल हो गए हैं, उसमें हमारे लिए तो कोई बदलाव नहीं आया। हमारी जो एक ही थी, मांग थी न्याय की, वो अभी तक कभी पूरी नहीं हुई, वो अधूरी की अधूरी पड़ी है। हम उसी आशा से आगे से चल रहे हैं कि वो कभी ना कभी पूरी होगी। अभी एक साल में कुछ नजर आया है, कुछ कुछ जो है वो चेंजेस हैं। अभी अभी जैसे मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एयर स्ट्राइक किया, अभी नंदन को जब लेके आए, पाकिस्तान से छुड़वा कर लाए, और कुलभूषण यादव जी से के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने एक्शन लिया। और आप सबको कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं। 20वीं वर्षगांठ है इस बार, 20 इयर्स ऑफ कारगिल, तो याद करते हैं ये वॉर जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और लेट्स प्रे फॉर द सोल्स ऑफ एवरी सोल्जर की यू नो दैट दे आर एबल टू सर्व आवर कंट्री टू द बेस्ट। हर साल मनाते हैं हम ये दिन, लेकिन ये साल कुछ खास ही है क्योंकि इतने लोगों के साथ मना रहे हैं और यहाँ पे मना रहे हैं जहाँ पे वॉर हुआ था, तो अलग ही फीलिंग है। ये आज 20वीं कारगिल की वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसमें हमारे 527 रणबांकुरे शहीद हुए थे। आज हम उनको पुष्पांजलि देने, उनको नमन करने यहाँ पधारे हैं। और मेरी पलटन जो तुलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी या टाइगर हिल की लड़ाई हुई थी, उसमें मेरे 34 वीर जवान शहीद हुए थे। तो ये आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं, और मुझे अच्छी बात है कि पूरा देश और देशवासी भी आज उनको याद कर रहे हैं।